सेना दिवस पर आपने देखी भारतीय सेना की शौर्य गाथा। दुश्मन चाहे कितना भी भारी हो और चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो, लेकिन भारतीय सेना के सामने वह उसको नतमस्तक होना ही है। सेना दिवस पर भारतीय सेना के जवानों ने आज हमें यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से शौर्य दिखाते हैं वह, जब भी कोई युद्ध होता है या कोई आतंकवादी चुनौती आती है तो किस तरह अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए यह हमारे देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान तक दे देते हैं। आइए बात करते हैं हमारे वीर जवानों से। आज सेना दिवस पर आप लोगों ने हमें यहाँ पे अपनी शौर्य की एक छोटी सी झलक दिखाई, और सेना दिवस पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहेंगे आपसे कुछ इस बारे में। आपको भी इसके लिए इस वक्त पे बहुत बहुत बधाई। हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा आर्मी डे पे प्रोग्राम है, जिसपे हमने पूरा ये अपना जो इतने एक महीने से डेढ़ महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे और अपना इधर पूरा डेमो दिखाया। तो आप सब भी वही एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत दिल लगा के। तो आप लोग दिल्ली से हैं या अलग अलग शहरों से आए हुए हैं? हम अलग अलग स्टेटों से और अलग अलग शहरों से। तो अभी आज के बाद का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? सर, हमारी तरफ से पूरे भारत देश को आर्मी देश की तरफ से खूब खूब बधाई सर। सभी के लिए हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि सर हमारे को इस नेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। और हमारे जो युवा हैं उनके लिए कोई संदेश? युवा के लिए ये संदेश है कि जैसे कि हम बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, वैसे देश के प्रति उनको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। सेना दिवस के अवसर पर मैं भारत के युवकों को, युवतियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जोश जज्बे के साथ काम करिए और भारतीय सेना को सपोर्ट करते रहिए। और आप में से जो भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता है, हम खुले दिल से आपको निमंत्रित करते हैं। आइए भारतीय फ़ौज में सर्व करिए और अपना योगदान दीजिए, और हम यही चाहेंगे कि आपकी मदद से भारतीय फ़ौज का मनोबल बढ़ा रहे। भारतीय फ़ौज जिस तरीके से काम करती आई है उसी तरह जोश के साथ काम करती रहे और हमें हर प्रयत्न में सफलता मिलती रहे आगे के दिनों में। आज हमने यहाँ पर सेना दिवस की परेड के बीच में हमने देखा कि किस तरह से बाइक पर स्टंट करते हुए हमारे जवान दिखे हमें। आइए बात करते हैं इनसे। भैया, कब से प्रैक्टिस कर रहे थे आप इसकी? हम लोग तकरीबन कम से हमने 10 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग का वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो वन बाइक मोटरसाइकिल पर 58 था। इसके ऊपर प्रैक्टिस चालू कर दी है, जिसमें हम लोग का बैलेंस वगैरह सब बहुत डिफिकल्ट होता है, प्लस हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी कड़ी मेहनत होती है, प्लस हमारे जवानों का सबका सहयोग और हमारी कोर्स का जो हम जिसके लिए हम लोग रहते हैं उनकी सहयोग की वजह से हम लोग अच्छे तरीके से अपना कारनामे को कर लेते हैं जी। और तो ये अभी इस इवेंट के लिए जो आज का परेड था इसके लिए आप लोग कब से प्रैक्टिस कर रहे थे, और अभी कितने समय तक कर रहे थे? हम लोग सभी सैनिक हैं, सभी हमारे मतलब सोल्जर्स हैं, सभी यंग सोल्जर्स हैं, तो हम लोग अपना मतलब पार्ट टाइम जो हमारा वर्क होता है, डिफेंस वर्क होता है या
हर चीज़ होने के बाद भी हमारा जो टाइम होता है उसके लिए हम लोग करते हैं। हम लोग को कोई किसी ने कुछ कहा नहीं करने के लिए। तो आज एक बाइक पे कितने लोग थे? आज हम लोग तो एक मोटरसाइकिल पे 20 आदमी थे, 20 सोल्जर्स थे हमारे। अच्छा। हम लोग मैक्सिमम बैठाए थे क्योंकि हमारा मतलब रिकॉर्ड बनाने के बाद हमें डेमो दिखाना था यहाँ पे। तो रिकॉर्ड कितने का है अपना? हमारा रिकॉर्ड है 58 का है। कितनी बाइक पे? वन मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पे 58। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर नीचे है। तो आप सब भी इसी रिकॉर्ड के साथ शामिल थे सर? और आप सब दिल्ली से हैं या कहीं आसपास से सब लोग आए हैं? इंडिया से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा इंडिया एक तरह से मौजूद है और हम सभी एक साथ मिलकर फिर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की। कार्रवाई में अपील करेंगे सदम में साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए, असाधारण साहस और अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए आपको सेना मेडल जीता मरण उपरांत से सम्मानित किया। भारतीय सेना का मंत्र है या तो तिरंगा गाड़ के आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। जी हाँ, हमारे साथ हैं मेजर ऋषि जिन्हें आज सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। हम जानना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर ऋषि जी, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उस शौर्य गाथा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि वो भी कुछ सीख ले सकें। चैडविक मोटो, उसी से हम चलते हैं जी, कोई शक नहीं है हमें उसमें जी। अभी तो मेरा आधा चेहरा और आधा जिंदगी मैं देश के लिए दे पाया हूँ। आई एम वेरी श्योर मेरा बाकी शरीर और जिंदगी मेरे देश के लिए होगा। हमारे साथ हैं शहीद सिपाही बबलू जी की पत्नी, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बबलू जी के बारे में हमें कुछ बताएं ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि किस बहादुरी के साथ उन्होंने दुश्मनों का सामना किया और अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर दिए। मेरे पति बबलू सिंह बड़े ही साहसी थे, वो किसी चीज़ से डरते नहीं थे। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान नौछावर कर दी। उन्होंने ना तो हमारे बारे में सोचा ना ही अपने बच्चों के बारे में सोचा, उन्हें हमसे ज़्यादा अपनी मातृभूमि और अपने देश से बहुत प्यार था। इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा ना करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया और अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मुझे गर्व है अपने पति पर और दुख है कि मैं उनके साथ ना हूँ। मेरी अपील है, सबसे विनती है कि मेरे पति ने जिस तरह अपनी देश की रक्षा की, अपने प्राणों की ना परवाह करते हुए हम लोगों की रक्षा की, यानी कि हमारे समस्त देश की रक्षा की, इसी तरह उनकी तरह सब लोग बहादुर बने और अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। सेना दिवस पर भारतीय सेना की ये शौर्य गाथा को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट, आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर सूचित करें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। हमारे साथ हैं इस समय दीपा मलिक जी, आइए जानते हैं आज सेना दिवस पर उनकी प्रतिक्रिया। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभासाक्षी.com पर। आज सेना दिवस पर हम सभी ने सेनाध्यक्ष जी का भाषण सुना, आपको उसमें क्या बातें प्रेरक लगी? मेरे लिए तो सेना परिवार से जुड़े होना सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, और आज तक जो भी मैंने मेडल जीते हैं या जो भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं या जो भी हिम्मत मैंने अपने शरीर से दिखाई है और देश का नाम रोशन किया है, आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा योगदान जाता है फ़ौज की अपब्रिंगिंग का। मैं एक फ़ौजी बेटी हूँ, फ़ौजी पत्नी हूँ, फ़ौजी की बहन हूँ, और हमारे परिवार में कोई ना कोई सदस्य तीन वो कहते हैं पीढ़ियों से ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसमें हमारे घर का एक इंसान बहुत क्लोज़ या तो पिता हो या पति हो या भाई हो उसमें ना रहा हो जी, जी। तो हमारे लिए तो बहुत गौरव का दिन है आज जी। और आधुनिकीकरण होते हुए देखते हुए बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज मुझे लगता है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ने पर अपडेट की जाती है, इच्छा तो यही है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन सर्विस बिफोर सेल्फ की आज जो पूरी यहाँ पे हमने देखा और इतना मोटिवेशन लेवल देखा, बहुत अच्छा लगा। और मेरे पति रिटायर हुए हुए अभी कुछ समय हो चुका है और मैं भी खेलों की दुनिया में इतनी व्यस्त हूँ कि फ़ौज में आने का मौका ज़रा अब कम मिलता है, लेकिन आज आदरणीय आर्मी चीफ ने खुद मुझे
मेरे नाम से न्योता दिया, तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। और जो सेना की हमने देखा कि इस बार स्कूलों को भी जोड़ा गया है, स्कूलों से बच्चे लाए गए हैं, तो आपको लगता है कि जो स्कूलों के करीब जाने की, छात्रों के करीब जाने की, छात्रों को अपने बारे में समझाने की जो सेना की कोशिश है, ये रंग लाएगी? और बहुत ज़रूरी है आज के जो जो हमारे देश के भविष्य हैं, आज के बच्चे कल इस भारतवर्ष को संभालेंगे, और उनके लिए ये प्रेरणा, उनके लिए ये सम्मान अपने देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। किन दुर्गम स्थानों पे और कैसे कैसे मुश्किलों के तहत एक जवान है, एक भारतीय सेना का युवक है, वो अपने देश को कैसे संभाल रहा है, वो एक नन्हे बच्चों के मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार जगाने के लिए और उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल का भारतवर्ष तो इन्होंने ही संभालना है। दीपा जी, कभी कभार ये मांग भी उठती है कि ना हर छात्र के लिए कुछ समय सेना में कुछ प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर सेना में कुछ भी सेना के साथ अगर जोड़ा जाए किसी भी इंसान को, तो उसके जीवन में अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत अपने आप जुड़ जाएगी, ज़रूरी वो एक बहुत बेहतर इंसान बनकर बाहर आएगा। आई थिंक इसका प्रयत्न एनसीसी के थ्रू ऑलरेडी हो रहा है, जो नेशनल कैडेट कोर्स हैं हर ब्रांच की, चाहे फोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, तो स्काउट्स एंड गाइड्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा डिसिप्लिन, क्योंकि मैंने अपना अनुशासन और अपनी जो एक हेल्थ के प्रति और जो एक इनिशिएटिव था, मैं बुलबुल और गाइड में रही हूँ जब मैं छोटी थी, तो कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे एक्सपोजर बच्चों को, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आज पूरा एक उन्होंने रणभूमि का इतना सुंदर जो प्रदर्शन यहाँ पे दृश्य दिखाया, वो दिल को एकदम हिला देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक बच्चे जब ये देखेंगे तो नेचुरली अपनी आर्मी के प्रति और अपने देश के प्रति एक रिस्पेक्ट उठ कर आएगी। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रभासाक्षी.com पर। हम ये देखेंगे, जानना चाहेंगे आप सबसे, आपने देखा कि किस तरह सेना ने अपने शौर्य की एक छोटी सी झलक दिखाई कि कैसे वो दुश्मन अगर सामने आ जाए तो उसको मुंहतोड़ जवाब कैसे देते हैं अपनी रणनीति से, अपनी तकनीक से, तो आप लोगों ने इससे क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पहली बात तो हमारी जो सेना है कितनी मेहनत करती है, हम अपने घर में चैन की नींद इन्हीं लोगों की वजह से सो पाते हैं, और हमें सही में लगा कि हमें इनका कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितना धन्यवाद इन लोगों को देना चाहिए कि हम अगर आज अपने घर में चैन की नींद सो पा रहे तो इन लोगों की वजह से सो पा रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि अगर मैं जब यहाँ आऊँगी तो मुझे इतना सुंदर और इतना बहादुर और शौर्यपूर्ण एक चित्रण देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जो मैंने देखा कि अब तक तो हम सिर्फ पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और हमने एक प्रकार से हमने सिर्फ सोचा है, अपने मन में एक चित्र बनाया कि किस प्रकार युद्ध भूमि पर जाके हमारे वीर लड़ते हैं, किंतु आज उनको देखना लड़ते हुए, और वो मतलब वो वास्तव में हो नहीं रहा था, वो सिर्फ एक रिहर्सल जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन वही देख कर अगर हमारे रोंगटे खड़े हो गए तो वो सैनिक जो सरहद पार अपने प्रियजनों से इतनी दूर लड़ रहा है उसकी क्या हालत होगी, वो सोचना ही मतलब अपने आप में एक अंदर तक हिला देने वाली बात है। अगर भले ही सेना में शामिल नहीं होके लेकिन सेना को किसी तरह से सहयोग करने का मौका मिला भविष्य में तो जरूर करना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर, और देश की सेवा करने के लिए ये हमें बहुत प्रोत्साहित करता है कि अगर हम आर्मी ज्वाइन किए बिना भी उनकी सेवा, देश की सेवा किसी भी तरह से कर सकें तो उसमें हम भागीदारी दें। आपने आज देखा आर्मी चीफ के जो भाषण सुना आपने, उन्होंने युवाओं से भी सेना से जुड़ने के लिए कहा है और भी कई सारी बातें कही उन्होंने, आपको उसमें क्या प्रेरक लगा? मेरे ख्याल से तो आजकल लोगों में जो हिंदुत्व है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो हर परिवार में से लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आर्मी के लिए कुछ तो अपने तरफ से सहयोग करें। मैं भी खुद 12वीं कक्षा के बाद NDA ट्राई करना चाहूँगी। और आपका आर्मी में ज्वाइन करने का या आर्मी को किस तरह से सेवा करने का, सहयोग करने का कुछ? मुझे जिस भी तरह से मैं कर सकती हूँ, जर्नलिज्म या जो भी आर्मी खुद ज्वाइन करके, मैं करना चाहूँगी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। थैंक यू। आज आपने
सेनाध्यक्ष जी ने अपने भाषण में युवाओं से सेना से जुड़ने की अपील की है, सेना को सहयोग करने की अपील की है, आप किस तरह से सहयोग करना चाहेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद? हाँ जी, सो सेना का सहयोग करने का बहुत बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम हर तरीके से कर सकते हैं, कोई ज्वाइन कर सकता है। मैं सेना की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हेल्प कर पाऊँगा, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे रेडार्स, हमारी मिसाइल्स कैसे काम करते हैं, हमारे टैंक्स कैसे काम करते हैं, तो मैं उनका कॉम्बैट सिस्टम डेवलप करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड साइंस में उनकी मदद करना चाहूँगा। इस समय हमारे साथ हैं DPS इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स, हम आइए जानते हैं आज सेना दिवस पर उन्होंने जो सेना का अदम्य शौर्य देखा उसके बारे में उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आप सभी का स्वागत है प्रभासाक्षी.com पर। आपने आज देखा सेना ने किस तरह से अपना शौर्य दिखाया और एक कॉम्बैट का डेमो भी दिखाया उन्होंने कि किस तरह से वो दुश्मन को परास्त करते हैं, आप लोगों ने इससे क्या सीखा? मेरे को लगता है कि मैं सेना को मदद कर सकता हूँ इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग अच्छा लगता है और मैं थोड़ा बहुत अच्छा भी हूँ उसमें, तो इंजीनियरिंग से वो मैं उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ और उनकी मदद कर सकता हूँ। सेना काम कैसे करती है और जो हमारी सेना है वो कैसे रोज़ हमारे लिए लड़ाई करती है, तो सेना को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेना को ज्वाइन कर सकूँ। मेरे को शौक है ऐप डेवलपिंग करने का, तो मैं एक ऐप बनाऊंगा जिससे जो सारे आर्मी के लोग हैं, जो हमारे सेना में लोग हैं, वो ऑनलाइन ही डिजिटली एक दूसरे से संपर्क कर सके कि उनको और इजी रहे बात करना। संवाद की प्रक्रिया को आप सरल बनाना चाहते हैं। मैडम आपका शुभ नाम जाना चाहिए? कंचन मिश्रा। कंचन जी आप ही बताइए कि आप बच्चों को लेकर आए, आप जब सवेरे लेकर आ रहे थे और अब जब लेके जाएंगे तो बच्चों की प्रतिक्रियाएं और बच्चों के भाव मन में क्या आपको नज़र आ रहे हैं? मुझे लगता है मेरे बच्चे और मैं, हम दोनों बहुत ही प्राउड हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ये विटनेस किया हम लोगों ने, हम ऐसा एक सिविलियन को देखने को मिला, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे बच्चे हम जा कर के अपने स्कूल में ये बता सकेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये कैसे हमारे ऊपर इम्पैक्ट किया, और हम शेयर करेंगे अपने स्कूल मैगजीन्स के थ्रू ताकि अगले साल हमारे और बच्चे आके देखें और लोग इस चीज़ को विटनेस करके और इन्फ्लुएंस कर पाए दूसरे लोगों को। थैंक यू। भारतीय सेना की शौर्य गाथा को दर्शाता सेना दिवस पर यह प्रभासाक्षी.com की विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय और सुझावों से हमें ज़रूर अवगत कराते रहिए और आगे भी हम आप ऐसी रिपोर्टें देख सकें लगातार, इसके लिए लॉग ऑन करिए प्रभासाक्षी.com और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें ताकि आप लगातार अपडेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।